उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्ते दिए गए बयान को लेकर पंजाब के सबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा दीआं मुश्किलां बढ़ सकदियां। राजस्थान के रामगंज मंडी तो बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत के उत्ते कोर्ट ने पुलिस नूं मामला दर्ज करके जांच रिपोर्ट पेश करन दे हुकम दित्ते ने। विधायक दे वल्लों मार्च दे विच महावीर नगर थाने च रंधावा के खिलाफ शिकायत दित्ती सी। इल्जाम ने कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया ते फिर कोर्ट दा रुख किया गया। ये कोटा में अपराध बनना पाया जाता है और उस अपराध बनना पाए जाने पर कोर्ट पुलिस माननीय न्यायालय ने पुलिस थाना महावीर नगर को इस निर्देश के साथ एफआईआर दर्ज करके उसकी कॉपी भेजी जाए और जांच करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। जिक्र खास है कि 13 मार्च को जयपुर दे विच केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया तो जयपुर दे विच भी सभा नूं संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी ते पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लैके विवादित बयान दिता सी। अगली खबर है बठिंडा तो। बठिंडा का पिंड बैमन कौर सिंह वाला दे विच माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जदों गैस पाइपलाइन पाउण नूं लैके किसान अते पुलिस प्रशासन आमो सामने हो गए ते किसान खेतों के विचों कढ़ी जा रही पाइपलाइन का विरोध लगातार कर रहे हैं जिस तो बाद पूरा पिंड पुलिस छावनी के विच तब्दील कर दिता गया। पहला इन्होंने 90,000 रुपया कनाल का दिता है वो लड़ाई लड़ते लड़ते गेल कंपनी वाले ने पाई है परले पासे उन्होंने 4.5 लाख रुपया दिता है। हुण डीसी साहब कहिंदे वी 3 लाख तो वध दे नहीं सकते। इस मसले पर जबरदस्ती इन्होंने एक दो थाई जोड़ लाते जिथे साडा कोई कामकार नहीं सी। किसान पाइपलाइन पाउण दी एवज दे विच 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मंग रहे हैं। हालांकि विरोध तो बाद प्रशासन ने गैस पाइप पाउण दा काम रोक दिता। ये पूरा गलबात करके पहला नंबर ऑफ मीटिंग्स हो गई ने डीसी साहब नाल मेरे नाल बहुत सारिया ट्राइल हो गई ने कि इहनू एमिकेबली आपां सिरे चाड़ीए तां नहीं होया। इदां कुटमार वाला कुछ नहीं है जी। किसानों का इल्जाम है कि प्रशासन उन्होंने खेतों के जाने भी रोक रहा है तो उन्होंने कई किसान साथियों को हिरासत दे विच भी लिया गया है। अगली खबर है पठानकोट तो। पठानकोट के रणजीत सागर डैम का सरकारी हस्पताल चिट्टा हाथी बन गया है जो लोगों को इलाज घट तो शायद परेशानियां ज्यादा दे रहे। रोडवेज की लारी की तरह इस हस्पताल के ना कोई शीशे ते ना ही कोई बारी। मंजे टूटियां टॉयलेट बिजली दे स्विच हर वो चीज जो इमारत नूं कदे हस्पताल बनाउंदी सी अज गायब है जां फिर खराब हो चुकी है। डॉक्टर नहीं है इस वक्त तो कोई डॉक्टर नहीं है इत्थे। उंजे दवाइयां वगैरह या टेस्ट वगैरह ते हुंदे हैगे ने। टेस्ट ते हुंदे आ पर मतलब डॉक्टर नहीं है इस वक्त ते टेस्ट किन्नू कराणे। करोड़ों की लागत के नाल बनिया हस्पताल हुण खंडर तो वध के कुछ भी नहीं। डॉक्टर नूं डेपुटेशन ते पठानकोट भेज दिता गया जिस कारण मरीज निजी हस्पतालों तो महंगा इलाज करवाउण दे लई मजबूर ने। एमरजेंसी मैडिकल अफसर सीगे 7 उन्होंने जिहड़ी ड्यूटी हैगी उह सिविल हस्पताल पठानकोट विखे लगाई गई है। सानूं जिहड़े 3 जगह मैनेज करना पै रहा है उच्चा थड़ा होस्पिटल जुगियाल होस्पिटल ते पठानकोट ते जिहड़ा एमरजेंसी रोस्टर फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो रहा सानूं। हालात हमेशा तो अजिहे नहीं सी। कदे इत्थे स्टाफ मरीजां दी तनदेही दे नाल सेवा करदा सी। आले दुआले दे लोक इलाज दे लई आउंदे ते ठीक हो जांदे सी पर प्रशासन दी अणदेखी ने हस्पताल नूं मुर्दा बना दिता। पर उम्मीद ए जरूर करदे आं कि ए खबर सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक ते अखां तक भी पहुंचेगी ते उस तों बाद इस हस्पताल दे वी दिन बदलणगे और उम्मीद करदे आं कि लोकां तक भी सहूलत पहुंचेगी।